महाराष्ट्र के मुंबई में कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर जी ने एक बार फिर हिंदू समाज की आवाज बुलंद करते हुए कहा कि राम का जीवन समूचे समाज, देश और विश्व के लिए एक आदर्श है, लेकिन तुष्टिकरण की राजनीति के कारण मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को इतने दिन तक अपने मंदिर से दूर रहना पड़ा, लेकिन अब श्री राम आ रहे हैं, हमें उनका स्वागत करना चाहिए। राम और कृष्ण हम सब सनातनियों के प्राण हैं, काशी में शिव थे, शिव हैं और रहेंगे। जिस तरीके से आज हम जनवरी में राम के स्वागत करने वाले हैं, आने वाले समय में भगवान श्री कृष्ण का भी स्वागत होगा। तो मैं ये आशा करता हूँ जो मंदिर मथुरा में तोड़ा गया और उसकी जो केशव देव जी की जो मूर्तियां थी जो आगरा में उन्होंने गाड़ दी थी, उन केशव देव जी की मूर्तियों को लाने के लिए भी हम लोगों ने केस किया है। हमने एक ट्रस्ट बनाया, ट्रस्ट बनाकर एक केस किया है और वहां पर भी आगरा में केस चल रहा है, जिसमें हाई कोर्ट ने भी कहा कि 6 महीने में इसका जो भी परिणाम है वो निकाल के दें। तो हम ये चाहते हैं कि राम मंदिर के बाद मथुरा में वही केशव देव जी की मूर्तियों का पूजन हो जो आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों में तथा कथित जो मुगलिया जो माजरे आलमगिरी किताब में एक मुश्ताक अली खान ने जो कि औरंगजेब का शागिर्द था उसने लिखी है, तो अगर ये सत्य है तो वही छवि वहां से आनी चाहिए। आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों में भगवान श्री कृष्ण की जिन मूर्तियों को गाड़ा गया उन्हें निकाल कर उनकी पूजा की जाए। श्री कृष्ण की असली मूर्तियां वही हैं।